एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो 6 months हो चुके हैं, लास्ट व्लॉग अपलोड किए हुए, बट हियर वी आर शूटिंग अनदर व्लॉग। एंड सो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट। 2021 दिसंबर से मैंने मॉडलिंग वर्ल्ड में थोड़ा बहुत एंट्री लिया। 2021 में मैंने मेरा फर्स्ट पैजेंट जीता, दैट वाज अ मुंबई लेवल पैजेंट, मिस्टर मून यूनिवर्सिटी मुंबई। फिर मैंने अगले 2 महीने में ही कंसेक्यूटिवली मैंने 2 नेशनल लेवल पैजेंट जीते, दैट इज मिस्टर यूनिवर्सिटी इंडिया लेवल राउंड एंड मिस्टर यूनिवर्स इंडिया लेवल राउंड। इन दोनों के बाद मैंने रेमंड के लिए भी वॉक किया, मैंने बहुत सारे डिफरेंट शोज में एज अ शो स्टॉपर काम किया। एंड मेरी मॉम जो है, जिनको आपने बहुत बार ब्लॉग में देखा होगा, वो 20 ईयर्स से इस फील्ड में है एंड वो जा रहे हैं मिस्टर एंड मिस इंडिया 2022 कोरियोग्राफ करने, दैट इज़ इन आगरा। एंड मैं जा रहा हूँ उन्हें हेल्प करने एंड ऑल्सो उस शो में एज अ शो स्टॉपर बनने। सो लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग। मेरी फ्लाइट है 12:20 की अराउंड एंड दिस इज द एयरपोर्ट लॉक। सो चलिए शुरू। सो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड हम लोग का फ्लाइट है इंडिगो से। सो इंडिगो वहां पे सामने दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट 11 बज गया है, 12:15 का फ्लाइट है, तो वी आर लाइक जस्ट ऑन टाइम। सो लेट्स गो, बोर्डिंग पास निकालते हैं, लगेज डालते हैं एंड आई मीट यू इन द फ्लाइट। सो टाइम हो रहा है अराउंड 11:30। हम लोग बहुत ऐसा फास्ट जा रहे हैं। 11:30 को बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हमने भी जस्ट चेक इन कर दिया है एंड अभी हम लोग का फ्लाइट है गेट नंबर 49B पे, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वी आर जस्ट ऑन टाइम। अगर हम लोग थोड़ा जल्दी होते तो यहाँ घूम लेते। यू नो गाइस, इट्स लाइक इट्स बीन 2 ईयर्स लॉकडाउन होने के बाद से ही हमने एक्चुअली 2 साल फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, 2 साल बाद एयरपोर्ट देख रहे हैं। थोड़ा जल्दी आते तो घूम भी लेते, रिटर्न आने का घूम लेंगे। मैं देखूंगा, अगर मुझे यहाँ पे टैक्स फ्री अगर कोई सस्ते में वे प्रोटीन मिला तो मैं वे प्रोटीन ले लूँगा। ये आइडिया मॉम का था। तो वी रीच्ड आगरा एयरपोर्ट, यहाँ पहुँच चुके हैं थोड़े ही टाइम पहले। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस। ये सारी हमारी बैग्स रखती है वहाँ से, लाइन 1 से ले। एंड अब सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बैग्स क्यों है। एक्चुअली हमारे साथ एक और पर्सन है जो आगरा आए है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, और नेम इज़ प्रियंका। उनसे जल्द ही मिलवाऊँगा एंड मेरे मामा वो गए हैं वॉशरूम एंड मुझे यहाँ पर इन बैग्स की रखवाली करने के लिए भेज दिया है। तो लेट्स वेट। एंड आगरा में सबसे फेमस चीज़ है ताजमहल एंड ये है ताजमहल का एक मिनी समथिंग। नाइस। होटल रैडिसन आगरा एंड ये है प्रियंका जिनके बारे में मैं बोल रहा था एंड जो हमारे साथ आए हैं। हाय। हाय। व्हाट्स अप, कैसा लग रहा है? ऑल गुड, इट्स टू हॉट हियर। थोड़ा ऐसे से घुमाओ ना। इट्स वेरी कॉस्टली, आगरा इज वेरी कॉस्टली। जस्ट फॉर द 1 लीटर वाटर दे हैव आस्क्ड मी फॉर 70 रुपीस। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से हम सब 70 रुपीस, अब क्या करें। इसके लिए मैंने कपड़े अपने तन को ढक के रखे हैं। हम लोग यहाँ तो हम लोग आ गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे रूम अलॉट होने का एंड रूम की जाने का। वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया है कि ताजमहल फेसिंग रूम दो, अगर वो अवेलेबल होगा तो हमारा जो रूम होगा वो ताजमहल फेसिंग होगा एंड दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। अब जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, ये यहाँ का होटल बहुत बहुत अच्छा एम्बियंस है। आई एम गोना शो यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट एंड एस्पेशली जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, breaking the secret, we've come here to choreograph Mr. Miss and Mrs. India 2022. So I'm very excited and rocket.
लंबा जाता है। अरे बोल तो सही तू, हम लोग पागल के साथ कर लिया है चेक इन, हमें अलॉट हो गया है हमारा रूम, एंड लेट मी शो यू आवर रूम फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 days। So, starting with this, we have this lavish bathroom, and we have the hotel room, TV, 2 king size beds, not king size but 2 single beds, and मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे व्यू का जो स्पेशलिटी है, that's also the speciality of the entire Agra, one of the 7 wonders of the world, जो देखेगा हमारे रूम से एवरी डे, that is the Taj Mahal। Like कितना अच्छा लग रहा है, like रोज यहां से ताज महल देखने का, the symbol of love, great। Good morning everyone। तो आज है day 2, टाइम हो रहा है around 9 बजे। कल रात को आपको रूम दिखाने के बाद हम गए थे मार्केट, हमने सुना था यहाँ का लेदर मार्केट बहुत फेमस है, एंड हमने एक शूज़ ऑर्डर भी किया बट मेरे साइज़ का नहीं था, तो वो आ जाएगा हमारे होटल रूम पे, एंड यप अभी रेडी होते हैं, आपको मैं टेरेस दिखाता हूँ जहाँ पे है स्विमिंग पूल एंड एक छोटा सा जिम जो मैंने कल देखा था बट मैंने आपको तभी दिखाया नहीं, तो भी आपको दिखाता हूँ, एंड देन आज दोपहर को हो जाएगा प्रैक्टिस एंड कोरियोग्राफी स्टार्ट ऑफ मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया 2022। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई हैव कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोले बोले वो क्लियर आ रहा है, बहुत तड़पती हुई धूप है, आई डोंट नो जिम में क्या हालत होने वाली है। ए हां यार, अभी तो बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, कल से तो बेटर लग रहा है यार। हां मैं भी ले लो शायद से राइट में, रूम चाहिए मुझे, यही रूम चाहिए। आई जस्ट वांट टू स्विच माय रूम इन दिस रूम। ताज मैंने हाइड्रेट लिया है सात, आई वांट टू स्लीप, नो आईडिया, आई वांट दिस रूम ओनली। दीप्ति तूने मुझे पहले क्यों नहीं लाया इस रूम में, दिस इज सो रॉन्ग। आप पहले रूम ले लेते इसलिए नहीं बुलाया। We are on the टी फ्लोर, यहाँ पे है स्पा एंड ये है टेरेस। बिफोर वी गो टू द टेरेस, यहाँ पे टेरेस पे है अ बार, अ स्विमिंग पूल एंड वो साइड पे है जिम। अब मैं आपको अगर यहाँ दिखाता हूँ तो दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। फिलहाल बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स जस्ट 11 o'clock बट डैम इतनी गर्मी है, एंड वो ये टेरेस का सबसे अच्छा पार्ट, दैट इज द ताज, एंड हम यहाँ पे रात को भी बैठ सकते हैं। हम अब मैं आपको बताता हूँ हाउ'स द जिम, सो लेट मी शो यू द फिटनेस सेंटर। फिटनेस सेंटर ये है, एंड ये शुरू होते ही यहीं पे ख़त्म हो गया। So we have the treadmill here, the mirror here, a cycling machine, a cable junction, lots of weights, lots of मतलब 15 किलो तक के weights। एक view यहाँ पे, that is the metro का bridge, आगरा में भी metro बन रहा है, and ये भी जितना हमें time लग रहा है उतने ही time लगा रहा है। That's the swimming pool, and I guess let's start the workout now because यहाँ पे bench नहीं है, ज़्यादा weights नहीं है। What we'll do is कि हम light cable से थोड़ा chest मार लेंगे, थोड़ा shoulder मार लेंगे, थोड़ा tricep मार लेंगे। आज push day है, so ज़्यादा गर्मी है। इसी के सामने खड़े हैं, फिर भी ठंडी नहीं लग रही, इसको ही देख लो पीछे। यहाँ पे हम लोगों को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी लोगों को वर्कआउट करना ही छोड़ दिया है।
because as you can see मैंने पहना है स्लीपर एंड आई थिंक 10 मिनट वॉक कर लिया है एंड अब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा. सी यू, मैं आता हूँ एक शार लेके.